अब बात आते हैं अफगानिस्तान की सर। जो अफगानिस्तान का जहां तक मसला है, वहां पे आप क्या समझते हैं कि इंडिया अपना रोल प्ले क्यों नहीं कर रहा? 11 नहीं कर सकते। 1.1 मिलियन की आर्मी है इनके पास, वो सिर्फ उनको भजन भजन गाने के लिए बिठाया हुआ, क्यों नहीं भेजते 500,000? हम भेजे हुआ अफगानिस्तान में, क्योंकि इनकी तो 11 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट भी है वहां पे अफगानिस्तान में, क्योंकि नहीं पाकिस्तान उसमें तो तालिबान को कंटिन्यू सपोर्ट करेगा क्योंकि वो सेम आइडियोलॉजी के लोग हैं। जब तक वो वहां पे इंसर्जेंसी रहेगी अफगानिस्तान में, पाकिस्तान को मेवा मिलता रहेगा, पैसे मिलते रहेंगे वर्ल्ड वाइड, तो वो कभी भी इसको खत्म। अभी मैं एक बयान पढ़ रहा था, एहसानुल्लाह एहसान को निकालने में उनके ISPR का बयान है कि इसमें आर्मी के लोग भी शामिल हैं, जो उसको वहां से पाकिस्तान से एस्केप करा के टर्की भेजा गया है। एहसानुल्लाह एहसान जिसने उसका वाकया किया था आर्मी पब्लिक स्कूल का, तो पाकिस्तानी जो आर्मी है, जो उसकी आइडियोलॉजी है, और जो उसी वही लोग जो डेवलप करते हैं पाकिस्तान में, एक जहनीत डेवलप करते हैं। आप समझते हैं कि मौलवी में इतनी ताकत है कि वो लोगों को मोटिवेट कर सके या वो कर सके? कभी भी नहीं कर सकते, अगर जब तक के पाकिस्तान आर्मी और एजेंसीज उनको सपोर्ट नहीं कर सकती। जिसको चुप कराना होता है, जैसे खादिम लंगड़ालवी को चुप कराना था, कैसे खामोशी से उसको खत्म करवा दिया नहीं करवा सके ना। नहीं 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 यू आर आई थिंक यू गया? आर सॉरी आई हैव टू पुट यू ऑन म्यूट। नहीं आप इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। खादिम रिजवी को जैसे भी उन्होंने चुप कराया, उन्हें पता चल गया खादिम रिजवी का बेटा खादिम रिजवी से 10 हाथ आगे निकला। अभी तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई पाकिस्तान में, अभी भी उसको अंदर तुनाव है और अभी भी उससे बैकडोर चैनल पर बातें हो रही हैं कि भाई आपने ये स्टेट को नहीं टारगेट करना। सो इन्होंने जहां पे अकड़ दिखाने की कोशिश की उन्होंने लम्हे पाता है इन्होंने। सो इट्स नॉट दैट मतलब सिंपल। ये इनके प्यादे हैं सारे, जैसे कभी इट्स नॉट सुबह सिंपल। नहीं कि इतना सिंपल नहीं है ना। देखिए सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आती लगते, हैं। जब सर आप पावर देंगे ना किसी को, जैसे अमेरिका ही नहीं पावर थी ना सारी इनको, तालिबान वगैरह को, इनको सबको, जो जिहादियों को पहले जो लॉजिस्टिक सपोर्ट दी, पैसा दिया, फाइनेंशियल सपोर्ट दी, पाकिस्तान आर्मी को यूज किया गया है इन सबको यहाँ पर ट्रेन करने में, जिसमें 70,000 पाकिस्तानी कत्ल हुए हैं पाकिस्तान में, डोमप्लास में मारे गए इनकी आइडियोलॉजी की वजह से। तो वो जब आप आग से खेलेंगे तो वो आग आपको भी तो जलाएगी ना। अब वहां पे तो क्या कहते हैं, इन्होंने उनको पाला है बकायदा, इनके इंटरनल तो आर्मी शामिल है उसमें, बहुत से जनरल शामिल हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। एक और जनरल था, वो इमाम नाम था उसका, उसको कत्ल किया तालिबान ही ने कत्ल किया ना, जनरल इमाम, कर्नल इमाम को, वो भी तो इनका सपोर्टर था। और ये हमीद गुल जो था, वो भी मास्टरमाइंड था इनका, जो इनके लिए काम करता था तालिबान के लिए। पूरी एक लिस्ट, लंबी लिस्ट बनी हुई है कि जिन जिन ने उनको सपोर्ट किया तालिबान को और यूज किया वहां पे अफगानिस्तान की इंसर्जेंसी के लिए, दुनिया में इंसर्जेंसी फैलाने के लिए, क्योंकि जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है वो बेस ही इसी में करती है ना, दहशत पे। आप दहशत कायम रखेंगे तो आपकी जय जयकार होती रहेगी, और नहीं तो लेकिन ये नहीं लेकिन पाकिस्तानी जो मिलिट्री है देर नॉट इस्लामिस्ट इस्लामिस्ट। नहीं है सर, पर यूज कर रही है ना आजकल तो वहां चले वो आर्मी आ भी। गया आपको। आपने मुझे जवाब देने का मौका ही नहीं दिया। आपने अच्छा आपने अपनी भी कमेंट्री दे दी है। चले आई हैव टू रैप इट अप। थैंक यू। नहीं आपने जो पूछा पहली बात कि इंडिया क्यों नहीं बीच में कर रहा है। इंडिया की 1.1 मिलियन की आर्मी है। इंडिया इज नॉट केपेबल ऑफ गोइंग ओवर हॉस्टाइल टेरिटरी लाइक पाकिस्तान। किस तरह जाएंगे अफगानिस्तान में? दे अभी कुछ बॉम्बिंग की थी इन्होंने सिविलियंस पे। अभी कुछ आई थी काफी वीडियोस जो आई थी बड़ी खतरनाक किस्म की। आई डोंट नो कितनी ट्रू है, मैंने उनमें इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं की। लेकिन इट्स इनकेपेबल। इंडिया नहीं कर सकता। अगर कोई लैंड ऑर्डर होता, कोई शिप रूट होता या कोई ओवर कुछ होता उनके पास तो दे कुड हैव डन इट। लेकिन बीच में पाकिस्तान है, एक हॉस्टाइल टेरिटरी, इंडिया कैन नॉट डू एनीथिंग। दूसरी बात जो आपने की आई थिंक इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। पाकिस्तान की भी मजबूरी है। पाकिस्तान कैन नॉट होल हार्टेडली सपोर्ट अफगानिस्तान सॉरी तालिबान, क्योंकि अमेरिका को आपको अमेरिका को मुझसे और आपसे ज्यादा पता है पाकिस्तान की इंटेंशंस का। और ये जितना थोड़ा बहुत चलता है, सम एलिमेंट सपोर्ट सम एलिमेंट्स डोंट सपोर्ट, उन्हें पता ही हमने हाथी पाला हुआ है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं हमारी इकोनॉमी पे कितना होगा। बट पाकिस्तान की अपनी भी मजबूरी है। पाकिस्तान तालिबान को एंटेगनाइज पाकिस्तान में नहीं कर सकता, मार भी नहीं सकता, रोक भी नहीं सकता जहादी है। और ये उनके अपने जहादी हैं, अफगानी तालिबान के अफगानी है, ये पाकिस्तान से बहुत कम जाते हैं। दीज आर लोकल होम ग्रोन, या फिर अगर कोई जैसे ट्राइबल बेल्ट से चले जाते हैं तो वेरी फ्यू, ये उनके अपने हैं। तो पाकिस्तान उनको एंटेगनाइज भी नहीं कर सकता क्योंकि लड़ नहीं सकते। हम क्या फौज भेजेंगे वहां पे? कभी भी नहीं हो सकता है। फौज भेजें क्यों भेजें भाई? अपने बम धमाके यहाँ पे करवाने, एक और दुश्मन बनाना। दूसरा पाकिस्तान ये कहता है कि अगर हैं वो वहां पे तो हम इनको एंटेगनाइज नहीं करते और ये हमारे साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। अगर रखना ही है तो नॉन हॉस्टाइल अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। बस तो सर इसमें पाकिस्तान
और आप सर ये नहीं मानते कि जो सारी है तालिबान की रिक्रूटमेंट है, जो मैंने खुद देखी है, मैं पंजाब से ताल्लुक है मेरा, फिर मैं पूरी हर जगह पे रहा हूँ मैं, उसमें कि सारी रिक्रूटमेंट पाकिस्तान से होती रही है, इनको ओपनली मूव करने ही तो कर दिया पाकिस्तान ने। नाइन्टीज में होती थी। मैंने भी बुक में अपना वाकया लिखा हुआ कि किस तरह मुझे लश्कर तैयबा ने करने की कोशिश की थी, और लश्कर तैयबा दे यूज टू सेंड देम टू तालिबान। तो ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन होती थी, बट तालिबान देमसेल्व्स वर नेवर अलाउड टू डू इट। और जो आपकी जो बात करें वो 80s में होती थी, तो उस वक्त तो पूरा नैरेटिव ही और था, उस वक्त तो अमेरिका भी साथ था, वो तो पूरी फैक्ट्री थी। तो ये पूरे बड़े न्यूएंस्ड प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अब की जो बात है, पाकिस्तान इज हेल्पलेस इन दिस। पाकिस्तान विल सपोर्ट तालिबान, पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करेगा, लेकिन पाकिस्तान ना चाहते हुए भी ये काम करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई सलूशन नहीं है। क्या तालिबान से पंगा लेंगे, उनको छेड़ेंगे, क्यों छेड़ेंगे, नहीं नहीं होता। आप ये देखें ना, जितने मदारिस थे, खासतौर पर फजल रहमान का मदरसा था और एक और वो जो था समी उल हक का मदरसा था, वो तो रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर बने हुए थे ना इनके, लाल मस्जिद इनकी ट्रेनिंग सेंटर बनी हुई थी पाकिस्तान में, और आर्मी के नाक के नीचे सब कुछ हो लेकिन रहा ना था। वो नहीं, इसको डिनाई नहीं मैं कर रहा, मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं तो आर्मी नहीं तो ऑपरेशन किया था लाल मस्जिद पे मुशर्रफ ने। हाँ जब वो उनको आंखें दिखाने लगते हैं ना, तब ये वो बिल्कुल आंखें हमेशा तो दिखाते हैं भाई, वो आंखें हमेशा दिखाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जब जो लश्कर तैयबा का हाफिज सईद ने आके हमें खुतबा दिया था, ही वो आर्मी के हेलीकॉप्टर में आया, ओके आई गेट दैट, वो आर्मी को गालियां दे रहा था। ये एक अननेसेसरी, वो ये एक अनहोली अलायंस है इनकी आपस में, वे दे हैव सर्टन। फिर उसके बाद जब इधर हुआ, जब 2001 हो गया, तो आर्मी को बड़े अपने ऑपरेशन जो है बड़े बदलने पड़े थे। सो इट्स नॉट दैट सिंपल, बट एनीवे दैट्स माय थॉट। अब ये तो हम इसमें बैक एंड फोर्थ वी कैन कीप गोइंग ऑन एंड ऑन। चलें, बड़ा बहुत शुक्रिया आया थैंक यू, आपका। आपने बुलाया, बहुत मैं सुनता हूँ आपको, आप स्पेशली मेरे हीरो हैं, तो हमेशा खुश चलो, हूँ। थैंक बहुत यू। शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।